फर्स्ट की स्टार्टिंग होती है एक कॉलेज ग्राउंड से, जहाँ के ड्रामा का मेन लीड जिसका नाम आर्थित होता है, वो एंड उसका बेस्ट फ्रेंड थानोन का फुटबॉल ट्राई आउट चल रहा था, जिसमें आर्थित और उसका बेस्ट फ्रेंड दोनों सेलेक्ट हो जाते हैं। फिर हमें आर्थित के दो और बेस्ट फ्रेंड कोड एंड लिंक को दिखाते हैं, जो कि आर्थित और थानोन के सिलेक्शन से काफी खुश होते हैं। तभी लिंक सबसे कहती है कि हमें सेलिब्रेट करना चाहिए और वो सभी एक कैफे जाते हैं। नेक्स्ट सीन में हमें इस ड्रामा की फीमेल लीड को दिखाया जाता है, जो कि बहुत रिच फैमिली से बिलोंग करती है एंड उसका नाम है वॉन्फा मई, पर सब उसे पैंग नाम से जानते हैं। पैंग कुछ लड़कियों के साथ फाइट कर रही होती है और सारे स्कूल के बच्चे फाइट का वीडियो बनाने लगते हैं। तभी वहां अर्थित आता है और फाइट को रोकने के लिए पैंग को पकड़ लेता है और वो सारी लड़कियाँ वहाँ से भाग जाती है। पैंग को तब बहुत गुस्सा आ रहा होता है जब अर्थित पैंग को लेकर टीचर के पास जा रहा होता है, तो पैंग उसे स्कूल बैग से धक्का देकर वहां से भाग जाती है। पैंग जब कार से घर जा रही होती है, तो उसके ड्राइवर अंकल उससे पूछते हैं कि तुम उन लड़कियों के साथ फाइट क्यों कर रही थी, जिस पर पैंग कहती है कि पहले फाइट उन लड़कियों ने स्टार्ट की थी और मुझे नहीं पता कि वो लड़का कौन था। पैंग ड्राइवर को कहती है कि प्लीज आप फाइट के बारे में पापा को मत बताना। पैंग जब घर आती है, तो पैंग की मेड पैंग के फेस को देखती है और पूछती है कि क्या तुमने फिर से फाइट की है, और उसकी चोट पर मेडिसिन लगाते हुए और उसे समझाते हुए कहती है कि बार बार फाइट करना अच्छी बात नहीं। पैंग के पहले भी बहुत सारी फाइट हुई थी, जिस वजह से उसे हर बार स्कूल चेंज करनी पड़ती है। मेड उसे कहती है कि तुम्हें सबके साथ अच्छे से रहना चाहिए और दोस्त बनाने चाहिए। पैंग कहती है कि सब मेरे दोस्त इसलिए बनना चाहते हैं क्योंकि मैं रिच फैमिली से बिलोंग करती हूँ और वो सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, और रही बहुत बॉयज की, तो वो बस मेरे साथ हुकअप करना चाहते हैं। जिसे सुनकर मेड कहती है कि ये वर्ड तुम्हें कहाँ से सीखा, ये वर्ड तुमने कहाँ से सीखा। पैंग कहती है कि मैं 15 साल की हो गई हूँ, कोई 5 साल की छोटी बच्ची नहीं हूँ। तभी पैंग के डैड घर आते हैं और कार की आवाज सुनकर पैंग दूसरे रूम में जाकर छुप जाती है, क्योंकि अगर उसके डैड ने उसके फेस पर फाइट का निशान देख लिया ना, तो उसे डांट पड़ेगी। तभी उसके डैड रूम के अंदर आते हैं और मेड से पूछते हैं कि पैंग कहाँ है। मेड कहती है कि वो यहाँ नहीं है। तभी उसके डैड उसे ब्लैंकेट में छुपा हुआ देख लेते हैं और मेड से कहते हैं कि मैं अपने रूम जा रहा हूँ, पट पट पट। बट देन वो पैंग के साइड में जाकर बैठ जाते हैं। पैंग को लगता है कि डैड चले गए, और जैसे ही वो ब्लैंकेट से बाहर आती है, तो अपने डैड को अपने बगल में देख कर कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है एंड देन अपने फेस को हुडी से कवर करती है। उसके डैड तभी समझ जाते हैं कि आज फिर से ये बच्ची लड़कर आई है। पैंग के डैड उसे फिर समझाने लगते हैं कि मैं बस ये चाहता हूँ कि तुम अच्छे दोस्त बनाओ और अपनी लाइफ अच्छे से बिताओ। एंड देन वो पैंग को उसका लाया हुआ गिफ्ट साइड में रख देते हैं। पैंग जल्दी से गिफ्ट उठा लेती है और अपने डैड से प्रॉमिस करती है कि वो फिर कभी लड़ाई नहीं करेगी। पैंग डैड से पूछती है कि मॉम कहाँ है, तभी उसकी मॉम रनिंग करके आती है। देन नेक्स्ट सीन में हम अर्थित एंड उसके फ्रेंड्स को देखते हैं, जहाँ की अर्थित और थानोन लिंग के लिए ड्रिंक लाते हैं, जिसे देख कर लिंग भी थोड़ा कंफ्यूज हो जाती है कि मैं किसकी ड्रिंक लूं और किसकी ना लूं। तभी कोर्ट कहता है कि तुम कोई सी भी एक ड्रिंक ले लो, तो लिंग अर्थित की ड्रिंक ले लेती है और कोर्ट थानोन की ड्रिंक ले लेता है। थानोन लिंग को पसंद करता है, पर जब लिंग ने अर्थित की ड्रिंक ले ली, तो वो थोड़ा जेलस फील करता है। देन नेक्स्ट सीन में हम पैंग के डैड को देखते हैं, जो कि उसे डिनर के लिए बुलाते हैं। पैंग डैड से कहती है कि आखिर मॉम कहाँ है, जिस पर उसके डैड बताते हैं कि तुम्हारी मॉम पार्टी करने गई हैं। और ये सब सुनने के बाद पैंग को बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता कि उसकी मॉम पार्टी कर रही हैं। नेक्स्ट हम पैंग की मॉम को देखते हैं, जहां पार्टी में कुछ लेडीज पैंग की मॉम को पैंग और उन लड़कियों के हुए फाइट का वीडियो दिखा रही थी, और दूसरी तरफ पैंग अपनी मेड को अपने साथ क्लब में चलने के लिए बोलती है। फिर हम कोर्ट और थानोन को देखते हैं, जो कि अर्थित को भी क्लब चलने के लिए बोल रहे थे। तभी अर्थित को एक कॉल आता है एंड वो कॉल किसका होता है वो तो आपको आगे पता चल जाएगा। पैंग और मेड जब क्लब आती हैं, तो दूसरी तरफ से अर्थित भी अपने दोस्तों के साथ उसी क्लब में आ जाता है। वो सभी जब साथ में बैठे होते हैं, तो उनकी नज़र पैंग पर जाती है, जो कि हाथ में बियर बॉटल लेकर ऐसा प्रिटेंड कर रही थी कि जैसे वो ड्रिंक कर रही है। पैंग अपनी मेड को उसकी फोटो क्लिक करने के लिए बोलती है। फिर पैंग बियर बॉटल के साथ निकाली हुई फोटोज अपनी मॉम को सेंड करती है। उसकी मॉम को फोटो देखकर बहुत गुस्सा आता है, पर वो कुछ रिप्लाई नहीं करती। फिर पैंग कहती है कि हमें लड़कों के साथ फोटो निकालना होगा। अर्थित ये सब दूर से देख रहा था। तभी पैंग को दो लड़के दिखते हैं, जो कि पैंग के पास आते हैं, और पैंग उनसे पूछती है कि क्या मैं आपके साथ फोटोज क्लिक कर सकती हूँ, और वो दोनों इस बात के लिए रेडी हो जाते हैं।
जब मेड फोटो क्लिक कर रही होती है तो वो दोनों लड़के पैंग को टच करते हैं और उसके साथ बदतमीजी करने की कोशिश करते हैं। पैंग कहती है कि अब मुझे घर जाना होगा। तभी उनमें से एक लड़का पैंग की ड्रिंक में कुछ मिला देता है, जिससे ऐसा करते हुए दूर से अर्थिक भी देख लेता है। वो लड़का जबरदस्ती पैंग को ड्रिंक पिलाने की ट्राई करता है। तभी अर्थित आ जाता है और ड्रिंक का ग्लास उनसे ले लेता है और पैंग को बताता है कि इस ड्रिंक में कुछ मिला हुआ है। और तभी हमें यहाँ पे पता चलता है कि अर्थित को कॉल किसी और ने नहीं बल्कि पैंग की मैड ने किया था। फिर अर्थित और उन लड़कों की फाइट शुरू हो जाती है। तभी कोर्ट और थानोन भी आ जाते हैं और उन लड़कों को मारने लग जाते हैं। देन हम सबको पुलिस स्टेशन में देखते हैं, जो कि इंस्पेक्टर को सब कुछ बता रहे थे। तभी वहाँ पे पैंग की मॉम भी आ जाती हैं और अर्थित को थैंक्स बोल के पैंग को वहाँ से ले जाती हैं। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अर्थित और पैंग के डैड को देखते हैं, जो कि कल के लिए अर्थित को थैंक्स बोलते हैं एंड उसे थोड़े पैसे भी देते हैं, जिसे लेने से पहले तो अर्थित मना कर देता है बट बाद में वो उन पैसों को रख लेता है। नेक्स्ट हम लिंक को देखते हैं, जो कि अर्थित का कॉलेज में वेट कर रही होती है। फिर हम पैंग को देखते हैं, जो कि स्कूल के गेट तक जाकर वापस आती है। तभी वहाँ अर्थित आता है और पैंग से पूछता है कि क्या आज तुम्हारी क्लास नहीं है। पैंग कहती है नहीं, जिस पर अर्थित कहता है कि क्या मैं तुम्हें पागल दिखता हूँ, चुपचाप अपनी क्लास पे जाओ। पर पैंग नहीं मानती, जिसे देखकर अर्थित उसे काफी कुछ समझाता है, जिस वजह से पैंग भी क्लास चली जाती है। पर वो लेट हो जाती है और अर्थित अपने कॉलेज जाता है, जहाँ वो भी लेट हो जाता है। पैंग जब स्कूल से घर आती है तो आज वो बिल्कुल नीट एंड क्लीन थी और आज उसने किसी से फाइट भी नहीं की थी, जिसे देखकर पैंग की मेड तो कम्प्लीटली शॉक्ड हो जाती है। पैंग कहती है कि अब से मैंने फाइट करना बंद कर दिया है। वहीं दूसरी तरफ हम अर्थित को देखते हैं, जो अपनी फैमिली से मिलने अपने गाँव जाता है। वेल, अर्थित की फैमिली गाँव में रहती है एंड उनका फॉर्म संभालती है। अर्थित बहुत दिनों बाद अपने गाँव आया था, इसलिए उसे देख कर सब काफी खुश होते हैं। अर्थित के लिए बहुत सारी डिशेस बनाई जाती हैं, यहाँ तक कि अर्थित अपनी पूरी फैमिली के साथ लंच भी करता है। वहीं दूसरी तरफ हम बेचारी पैंग को अकेले लंच करते हुए देखते हैं। लंच करने के बाद अर्थित अपने फार्म में घूमने जाता है। वहाँ उसे फार्म में कुछ काम करने वाले वर्कर्स मिलते हैं, जो कि फुटबॉल खेल रहे थे, तो अर्थित भी जाकर उन्हें ज्वाइन कर लेता है। और दूसरी तरफ फिर से हमारी पैंग अकेले शॉपिंग करने गई थी। पैंग चाहती थी कि वो भी अपने मॉम एंड डैड के साथ टाइम स्पेंड करे। फिर पैंग अपने घर आती है। पैंग को देखकर मेड भी पैंग के पास आती है। पैंग पूछती है कि आखिर डैड कहाँ है, जिस पर मेड कहती है कि आज वो घर पर नहीं है बट हाँ आज तुम्हारी मॉम घर पर है। जिसे सुनकर पैंग काफी खुश हो जाती है और अपने डैड को मैसेज करके आज जल्दी घर आने के लिए बोलती है। देन नेक्स्ट सीन में हम उसके डैड को देखते हैं, जो कि काफी जल्दी घर आ जाते हैं। पैंग अपने मॉम डैड के साथ एक होटल में जाती है, जहाँ की पैंग ने उन दोनों के लिए सरप्राइज डेट प्लान किया था। एंड फाइनली यहाँ पे पहली बार उसकी पूरी फैमिली साथ में होती है, जिसे देखकर पैंग भी काफी हैप्पी होती है और अपने मॉम एंड डैड से एक छोटे भाई की डिमांड करती है। पैंग कहती है कि मैं भी बाकी लोगों की तरह एक छोटा भाई चाहती हूँ। नेक्स्ट मॉर्निंग हम अर्थित को कॉलेज में देखते हैं, जहाँ की उसे अपने मॉम का कॉल आता है। मॉम अर्थित से कहती है कि तुम्हारे डैड हॉस्पिटल में एडमिट हैं, जिसे सुनकर अर्थित भागते हुए हॉस्पिटल आता है, जहाँ उसे उसकी मॉम मिलती हैं एंड उसे बताती हैं कि तुम्हारे डैड के बिजनेस पार्टनर दैट इज मिस्टर सोंगथम ने धोखा देकर पूरा फॉर्म अपने नाम कर लिया और ज्यादा टेंशन की वजह से तुम्हारे डैड बेहोश होकर गिर गए। फिर अर्थित अपने डैड के पास जाता है और अपने डैड को कहता है कि आप टेंशन मत लीजिए, सब कुछ ठीक हो जाएगा। नेक्स्ट हम पैंग और उसके डैड को देखते हैं। पैंग डैड से पूछती है कि मॉम कहाँ है। डैड बोलते हैं कि तुम्हारी मॉम अपने फ्रेंड्स के साथ ट्रिप पर गई हैं। पैंग फिर से गुस्सा हो जाती है, जिसे देखकर डैड कहते हैं कि क्या तुम मेरे साथ घूमने चलोगी। फिर पैंग जाने के लिए रेडी हो जाती है, जिसके बाद हम अर्थित और उसके डैड को देखते हैं, जो कि घर आकर फार्म जाते हैं। अर्थित के डैड अर्थित को बताते हैं कि उन्हें ये फार्म बनाने में कितनी मेहनत लगी है और ये फार्म उनके लिए बहुत ज्यादा इम्पोर्टेंट है। फिर हमें पैंग और उसके डैड को दिखाया जाता है, जो घूमने के लिए जा रहे होते हैं। तभी थोड़ी देर बाद अर्थित के घर पर मिस्टर सोंगथम का लॉयर और कुछ गुंडे डील फाइनल करने के लिए आते हैं। तभी अर्थित और उसके डैड भी वहां आ जाते हैं। अर्थित उनसे कहता है कि हम फॉर्म नहीं बेचना चाहते और लॉयर और गुंडों को मारकर भगा देता है। तभी वहां पे पैंग के डैड और पैंग भी आ जाते हैं। फिर वो सब बातें करना चालू कर देते हैं। तभी वो अर्थित और पैंग की बचपन की बातें शेयर करते हैं एंड यहाँ हमें पता चलता है कि
अर्थित और पैंग बचपन में एक दूसरे के फ्रेंड्स थे। वेल आफ्टर दैट अर्थित के डैड अर्थित को पैंग को बाहर ले जाकर उसे अपना फार्म दिखाने के लिए बोलते हैं, जिसके बाद वो दोनों वहां से चले जाते हैं। वेल उन दोनों के जाते ही अर्थित के डैड सारी बात पैंग के डैड को बता देते हैं, जिस पर पैंग के डैड उनकी हेल्प करने के लिए रेडी हो जाते हैं। वहीं दूसरी तरफ हम पैंग और अर्थित को देखते हैं, जहां अर्थित पैंग को एक अच्छी सी लोकेशन पर ले जाता है जहां से काफी अच्छा व्यू दिख रहा था। वो दोनों साथ में काफी मस्ती करते हैं। अर्थित पैंग से पूछता है कि तुम्हारा कोई दोस्त है? पैंग कहती है कि मुझे दोस्त नहीं चाहिए, जिसे सुनकर अर्थित पैंग को काफी कुछ समझाता है एंड देन उसे कहता है कि आज मैं तुम्हारा पहला फ्रेंड बनता हूँ, जिसे सुनकर पैंग भी काफी हैप्पी हो जाती है। जिसके बाद वो दोनों वापस घर चले जाते हैं और साथ में बैठकर लंच करते हैं। तभी अर्थित की मॉम कहती है कि चलो बेचारे हमारे बेटे अर्थित को भी एक प्यारी सी बहन मिल गई। बट क्या सच में ये बहन ही है? आंटी ने बहन तो कह दिया, बट आगे आगे देखो होता है क्या। फिर अर्थित की मॉम पैंग और उसके डैड को उनका रूम दिखाती हैं। डैड पैंग से पूछते हैं कि क्या तुम्हें यहाँ अच्छा लग रहा है? जिस पर पैंग कहती है कि मुझे अच्छा नहीं बल्कि बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ के फार्म काफी सुंदर है और यहाँ के लोग भी काफी अच्छे हैं। मुझे यहाँ बहुत अच्छा लग रहा है। देन नेक्स्ट सीन में हम नांग को देखते हैं। वेल मैं आपको बता दूं कि नांग और कोई नहीं बल्कि थानोन की छोटी बहन है। और हाँ, थानोन की फैमिली भी बिल्कुल अर्थित की फैमिली की तरह विलेज में ही रहती है और एक होटल चलाती है। तभी वहाँ थानोन कोट और लिंग भी आ जाते हैं, जो कि अर्थित के डैड को देखने गांव आए हुए थे क्योंकि वो बीमार थे। देन नेक्स्ट सीन में हम उन सभी को अर्थित के घर में देखते हैं, जहाँ वो सभी अर्थित के डैड से मिलते हैं। अर्थित जब लिंग से बात कर रहा होता है, तभी नैंग ये देखकर काफी गुस्सा होती है क्योंकि नांग भी अर्थित को लाइक करती है। वेल खाना बनने में काफी टाइम होता है, तो अर्थित सबको फार्म घुमाने ले जाता है। तभी नांग अर्थित से बात करने की ट्राई करती है, पर वो लिंग से बात कर रहा होता है, तो नांग लिंग को जानबूझकर गिरा देती है एंड देन सभी के सामने एक्टिंग करते हुए कहती है कि आई एम रियली सॉरी तुम गलती से गिर गई। बट दूर से पैंग ये सब देख लेती है एंड वहाँ पे जाकर सभी को बताती है कि नांग ने ये सब जानबूझकर किया है, ना कि गलती से। पैंग अर्थित से कहती है कि मैं बैंकॉक वापस जा रही हूँ, तो अर्थित उसे कार तक ड्रॉप करने के लिए जाता है। पैंग उससे पूछती है कि क्या लिंग तुम्हारी गर्लफ्रेंड है? जिस पर अर्थित मना कर देता है और कहता है कि वो बस मेरी कॉलेज फ्रेंड है, फ्रेंड है। पैंग जब नांग के बारे में पूछती है तो वो कहता है कि नांग थानोन की छोटी बहन है। पैंग को ड्रॉप करने के बाद वो फिर से अपने दोस्तों के साथ आता है और वहाँ वो सब उससे पूछते हैं कि क्या पैंग तेरी गर्लफ्रेंड है? जिस पर अर्थित साफ साफ मना कर देता है क्योंकि वो पैंग को एज अ गर्लफ्रेंड पसंद नहीं करता। देन नेक्स्ट सीन में हम पैंग एंड उसके डैड को घर में देखते हैं, जहाँ पैंग की मॉम भी वापस आ चुकी थी। पैंग मॉम से नाराज थी क्योंकि मॉम उसे बिना बताए ट्रिप पर चली गई थी। तभी उसकी मॉम आती है और उसे पैंग से बात करने की ट्राई करती है, बट अब पैंग तो मानने वाली नहीं थी। तभी पैंग की मॉम उसे एक ब्रेसलेट दिखाती है, जो कि उन्होंने पैंग और अपने लिए बिल्कुल सेम सेम लिया था, जिसे देखकर पैंग उनमें से एक ब्रेसलेट पहन लेती है और दूसरा अपनी मॉम को पहना देती है। पैंग की मॉम उससे प्रॉमिस करती है कि वो पैंग को कल एक होटल में खाना खिलाने के लिए ले जाएंगी। नेक्स्ट मॉर्निंग जब पैंग स्कूल जा रही होती है तो उसको मॉम का मैसेज आता है। वो कहती है कि आज हम साथ में डिनर करने होटल नहीं जा पाएंगे, जिसे देखकर पैंग ड्राइवर को कॉल करके पता करती है कि आखिर अभी मॉम है कहाँ एंड देन उसी होटल में पहुंच जाती है जहाँ की अभी पैंग की मॉम है। वेल वहाँ जाने के बाद पैंग बहुत बड़ा तमाशा खड़ा कर देती है, जिस वजह से उसकी मॉम उसे कार में बिठाकर काफी ज्यादा डांटती है। पैंग की मॉम कहती है कि अब मेरे फ्रेंड मेरे बारे में क्या सोच रहे होंगे, जिसे सुनकर पैंग कहती है कि आपको बस अपने फ्रेंड्स की चिंता है पर मेरी नहीं, और रोते हुए वहाँ से चली जाती है। फिर मॉम पैंग के डैड को कॉल करती है कि पैंग पता नहीं कहाँ चली गई। पैंग के डैड अर्थित को कॉल करते हैं और इस सब के बारे में सब कुछ बता देते हैं और कहते हैं कि पैंग कहीं भी नहीं मिल रही। फिर अर्थित पैंग को ढूंढने जाता है और उसे कॉल करता है। पैंग किसी का कॉल नहीं उठाती, बट वो अर्थित का कॉल उठा लेती है और वो अभी कहाँ है इस बारे में भी अर्थित को बता देती है। पैंग एक बिल्डिंग के टॉप फ्लोर पर होती है। जब अर्थित वहाँ आता है तो पैंग का स्कूल बैग वहाँ लटका देखकर उसे लगता है कि शायद पैंग ने बिल्डिंग से नीचे कूदकर सुसाइड कर लिया। बट तभी थोड़ी देर बाद वहाँ पे पैंग भी आ जाती है। अर्थित उससे पूछता है कि तुम स्कूल बैग यहाँ रखकर आखिर कहाँ गई थी? जिस पर पैंग कहती है कि
उसे भूख लगी थी इसलिए मैं कुछ स्नैक्स लेने गई थी। फिर अर्थित पैंग के डैड को कॉल करके उन्हें बता देता है कि पैंग मेरे साथ है, मैं उसे थोड़ी देर में घर लाता हूँ। अर्थित जब पैंग को अपने साथ घर वापस चलने के लिए कहता है तो पैंग कहती है कि मैं नहीं जाऊंगी क्योंकि मैंने मॉम के साथ फाइट की है। जिसे सुनकर अर्थित उसे समझाने की कोशिश करता है एंड उसे कहता है कि अगर तुम घर नहीं जाना चाहती तो कोई बात नहीं, मैं तुम्हें घर जाने के लिए फोर्स नहीं करूंगा। और हाँ, तुम तो काफी भूखी थी ना, तो आराम से स्नैक्स खाओ। और इसी के साथ हमारा एपिसोड 1 खत्म हो जाता है।